टिमी भाभी और जैज, पता है आज मैं इतनी खुश हूँ कि बस मैं बता ही नहीं सकती। करवा चौथ तो निकल गया है लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा यूनिक गिफ्ट दिया है ना कि बस आप सब देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। ओहो शिल्पा भाभी, ज्ञान ही बांटते रहोगे या कुछ बताओगी भी? खुशी जाहिर करी जा रही है अपनी। पता है मुझे करवा चौथ का ऐसा गिफ्ट मिला है कि आपका गिफ्ट उसके सामने बिल्कुल लिटल है जी, स्मॉल। ऐसा नहीं हो सकता। शिल्पा भाभी और टिमी भाभी, आपको तो पता ही है कल का कितना खास दिन था। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं व्रत रख पाऊंगी, लेकिन कल मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और अपने पति की याद में करवा चौथ का व्रत रखा। और वो जो टॉयलेट में चिप्स का पैकेट, आप चुप कीजिए आप। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पूरे साल भर तक ना उनकी बुराई कर सकूंगी। बस गिफ्ट गिफ्ट और गिफ्ट, एक ही आवाज सुनाई दे रही है। बट क्या आप लोग मुझे बताएंगे आखिर कौन सा वो स्पेशल गिफ्ट है जो आपके हस्बैंड्स ने आपको दिया है? भाई मैं शिल्पा की फ्रेंड हूँ तो आप दोनों की भी फ्रेंड हुई ना, मुझसे शेयर कर सकते हो बड़े आराम से। अभी बताते हैं, इतराओ थोड़ा गिफ्ट पर। चार चुस्कियाँ ले लूँ फिर बताते हैं। शिल्पा भाभी आप अपनी छड्डो, मेरे हस्बैंड ने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट करी है, डायमंड। देखो मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जी था। ओहो देखो हाथ में देखो कि वो कंजूस आदमी मुझे कुछ दे भी सकता है, लेकिन गिफ्ट तो दिया। वैसे मैं एक बात बोलूं आपको टिमी भाभी, मुझे जो गिफ्ट मिला है ना उस गिफ्ट के सामने ये कुछ भी नहीं है। मेरा गिफ्ट, आपके तो वैसे पति कंजूस है, मेरे नहीं है। हाँ अच्छा शिल्पा एक मिनट जरा देखते हैं टिमी को जो रिंग मिली है आखिर वो कैसी है। ये सिर्फ चमक में अच्छी है, दरअसल ये नकली रिंग है टिमी, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। माय गॉड टिमी भाभी, आपके हस्बैंड ने आपको बेवकूफ बना दिया, नकली डायमंड की रिंग भी, और आप उछल उछल के खुशी से पागल हो रही थी। हाय रब्बा मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई इस आदमी ने ना, मैं आज इनू छोड़ना नहीं है। ये क्या बात हुई, नकली रिंग। वैसे टिमी भाभी बहुत इतरा रही थी ना आप, देखो ना आपका ये जो डायमंड रिंग है ना नकली निकला है। शिल्पा भाभी मैं तो कहूंगी एक बार आप भी अपना गिफ्ट चेक कर लीजिए, कहीं आपको भी धोखा तो नहीं मिला, नकली तो नहीं है। वैसे आज आप सब लोग मेरा रुद्र रूप देखोगे, आज मैंने इनका ऐसा बैंड बजाना है कि इनकी बोलती बंद हो देनी है। वैसे आपको क्या गिफ्ट मिला? टिमी भाभी आपके हस्बैंड की तरह मेरे हस्बैंड नहीं है, उन्होंने मुझे डायमंड का ये नेकलेस दिया है और देखो कितना हैवी है, लाखों रुपए खर्च किए होंगे। वैसे तो वो भी कभी कभी कंजूसी दिखाते हैं लेकिन करवा चौथ पर नहीं। चेक ही करवा लो, बड़े आए हैं। हाँ हाँ डायमंड का उनको बड़ा हुआ है ना, तो बहुत ब्यूटीफुल को पास करो दिखाओ, कितना प्यारा लग रहा है। हम भी देखें कि रिंग तो नकली निकल गई है, ये नहीं निकलेगा बिल्कुल भी, मुझे पता है। बहुत सुंदर डिजाइन है ना? हाँ लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी बेवकूफ इस रिंग की तरह, क्योंकि इसकी सिर्फ चमक ही है इसमें और जो डायमंड्स हैं वो बिल्कुल नकली हैं। ऐसा नहीं हो सकता, हद हो गई तुम, वो कितना बेवकूफ बन जाते हो, तुम्हें कोई भी इतने आसानी से बेवकूफ बना देता है, स्पेशली तुम्हारे हस्बैंड, तुम लोग आज तक उन्हें समझ ही नहीं पाए हो। तुम नहीं, ये कोई कुछ ज्यादा ही इतरा रहा था। भाभी जी आपके हस्बैंड्स ने तो आपको काफी बेवकूफ बना दिया, किसी को नकली नेकलेस मिला है तो किसी को नकली रिंग मिली है, पर मेरे हस्बैंड वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ। पता उन्होंने मुझे क्या दिया गिफ्ट में? हाँ हाँ तू भी बता दे क्या गिफ्ट दिया हमें, तो मिला यूनिक गिफ्ट, बकवास। हाँ देख लिया हम लोगों ने अपना यूनिक गिफ्ट, अब तुम्हारा यूनिक गिफ्ट देखने का मन हो रहा है मेरा, उंगली से बाहर ही नहीं आ रही। अरे मैं आपको अपना गिफ्ट बताती हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दी है अमेरिका की, 31 नवंबर को अमेरिका ले जा रहे हैं वो। यू नो व्हाट, मैंने तो तैयारी भी शुरू कर दी है, मैं ना ऐसी ड्रेसेस खरीदूंगी कि कैटरीना दीपिका तो मेरे सामने टिक ही नहीं पाएंगी, और मैं ना फेसबुक पे चेक इन डालूंगी, वहां पे सेल्फीज लूंगी, फ्लॉन्ट करूंगी। यू नो हाई फाई जगह है अमेरिका, हर किसी के हस्बैंड थोड़ी ना ऐसे गिफ्ट देते हैं। जाओ जाओ जरा एक बार टिकट देख लेते हैं शिल्पा, जरा टिकट दिखाना। 31 नवंबर की है, देखिए ना पायोधी माय फ्रेंड, 31 नवंबर। अच्छा शिल्पा शिल्पा जरा पूछ लेते हैं हम कि नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं वैसे? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं वैसे? कितनी तारीख तक होता है नवंबर का महीना बताइए ना, क्या हुआ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 30 दिन का होता है नवंबर और ये 31 तारीख का टिकट है, तो आप तो सबसे बड़ी बेवकूफ हैं और दोनों से ज्यादा बड़ी शॉपिंग करें। मुझे मैं सब पढ़ रही हूँ, मेरे हस्बैंड की बकवास है नंबर के। अब ना अगर मैंने उनके 31 टुकड़े करके 31 डॉगीज को नहीं खिला दिया ना, मेरा नाम भी जैज नहीं। वो जैज इतना गुस्सा नहीं, कम कम मेरे टफी के लिए भी थोड़े 2000 टुकड़े हैं। पायोधी टिमी भाभी और जैज, आज ना मेरे हस्बैंड को घर आने दो, आज मैंने उनका वो हाल करना है ना कि बस पूछो मत। पता है गिफ्ट दे रहे थे तो कह रहे थे यूनिक गिफ्ट लेकर आया हूँ, डायमंड का हार, ये हार।
आज मेरे हस्बैंड को भी ना मुझसे कोई बचा नहीं सकता है। मुझे भी धोखा दिया करवा चौथ के नाम पर। अगले करवा चौथ पे मैंने बीच में रोटी ना खा ली ना तो मेरा नाम चेंज कर लेना। और मेरी बात तो सुनिए, मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बड़ी चीज हो गई है। फेक डेट अमेरिका ले जाने वाले से मुझे सबसे बड़ा धोखा। इतने बड़े बड़े सपने संजोए थे मैंने, अमेरिका जाऊंगी, मेरी फूटी किस्मत। चलो तीनों रोना बंद करो और अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करो यार। तुम लोग के हस्बैंड है, अब वो गिफ्ट भले ही नकली हो लेकिन उनका प्यार तो असली है ना। और वैसे भी प्यार गिफ्ट से तो तोला नहीं जाता, वो तो सिर्फ विश्वास से तोला जाता है। तो माफ करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे हस्बैंड देख लेना आई एम श्योर कि अगली करवा चौथ पर ना वो असली डायमंड का नेकलेस, असली रिंग और रियल ट्रिप तुम्हें अमेरिका का करवाने वाले हैं। वाओ, चलिए माफ किया। इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन टिकट तो मैं लेके ही रहूंगी। ये नहीं सुधरेगी। और मैं भी ना डायमंड का नेकलेस लेके रहूंगी। थोड़ी सी डांट तो पड़नी चाहिए मुझे लगता है इनको।